आज हमारे पास है Realme 12X 5G। और भाई साहब इसकी डिजाइन तो बहुत ही कमाल की है, पर दोस्तों इसके अंदर ना बहुत सारे ऐसे ऐसे फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि मैं इसके ऊपर ऐसे डबल टैप करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे देखिए YouTube ओपन हो चुका है, और मैं इसको ऐसे डबल प्रेस करूंगा तो ये देखिए ऑटोमेटिक कैमरा ओपन हो चुका है, या फिर आप चाहते हो इसे देखिए डबल टैप करोगे स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, डबल टैप करते हो स्क्रीन ऑन हो जाएगी, या फिर दोस्तों आप भी आईफोन की तरह यहाँ पे ऊपर मिनी कैप्सूल अपने मोबाइल के अंदर ऑन करना चाहते हो। और भी दोस्तों ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, तो अगर आपने स्मार्टफोन खरीदा है फिर खरीदने की सोच भी रहे हो ना, तो यार इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना, क्योंकि दोस्तों इस मोबाइल के जो आपके पैसे लगे हैं ना इस वीडियो को देखने के बाद एकदम वसूल हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहला टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं, उसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे यहां पे देखिए वॉलपेपर एंड स्टाइल का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर ऐसे प्रेस कर लेना है। अब यहां पे देखिए आपको फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि जो भी आपके लिखा रहता है फॉन्ट उसको आप चेंज कर सकते हो। देखिए कुछ इस तरह से कर लीजिए, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, या फिर मोर के अंदर जाकर आप यहां से डाउनलोड भी कर सकते हो अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, या फिर आपकी जो फॉन्ट की साइज है उसको बड़ा छोटा करना चाहिए, देखिए छोटा कर लीजिए, बड़ा करना चाहो बड़ा भी कर सकते हो। जैसे यहां से हम बैक जाएंगे यहां पे आपको आइकन्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। ये देखिए आपको ना मतलब है, जैसे आपके आइकन कुछ इस तरह के हैं तो आपको क्या करना है मटेरियल के ऊपर कर लीजिए। देखिए फोटोज कैमराज का पूरा लुक चेंज हो चुका है, और यहाँ पे पेबल के ऊपर करोगे तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। कस्टम के ऊपर जाना है और यहाँ पे देखिए इनका शेप भी चेंज कर सकते हो, कुछ इस तरह से कर लीजिए, ये वाला कर लो, देखिए कुछ इस तरह से कर लो, ये वाला जो भी आपको पसंद है वो कर लेना, या फिर आप इनको बाहर से देखिए इसे राउंडेड के अंदर करना चाहो, जैसे भी करना चाहो कर सकते हो। और यहाँ पे अंदर से इनको बड़ा छोटा करना चाहते हो, जैसे कि दिखाता हूँ, देखिए अंदर से छोटे हो चुके हैं, देखिए बड़ा करना चाहो बड़े हो चुके हैं, जैसे भी आपको रखना है वैसे रख सकते हो। जो आइकन की साइज है ना उसको भी आप बड़ा छोटा कर सकते हो, देखिए बड़ी हो चुकी है, छोटी हो चुकी है। नीचे जाओगे यहाँ पे इनके कलर भी चेंज कर सकते हो, देखिए इसको ऑन करते हैं आपके जो कलर है कुछ इस तरह से हो जाएंगे। आप इनको बड़ा छोटा करना चाहते हो तो देखिए बड़ा कर सकते हो, छोटा करना चाहो छोटा भी कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो मुझे ऐप का नेम शो नहीं करवाना है तो यहाँ से हाइड भी कर सकते हो। देखिए अब आपके कोई भी ऐप वगैरह का नाम शो नहीं होगा, आपको ना इनकी शक्ल देख के ही पहचानना पड़ेगा, और कोई आपका मोबाइल एक बार देखेगा तो पूछेगा कि भाई यार ये तुमने कैसे कि आपके यहाँ पे नेम शो क्यों नहीं हो रहे हैं। जैसे यहाँ से बैक जाएंगे यहाँ पर आपको ना कलर्स का ऑप्शन मिल जाता है। अब कलर का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखिए सभी ब्लू कलर के अंदर शो हो रहे होंगे, तो आप चाहते हो यार मुझे ब्लू कलर के अंदर नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा अलग चाहिए, तो देखिए आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मैं ये वाला कलर करता हूँ, ये देखिए ये वाला कर लेते हैं, ठीक है इसको ओके कर देना है। अभी देखिए नीचे जाओगे आप तो ये देखिए कुछ इस तरह का कलर आपके मोबाइल में हो चुका है, तो जो भी कलर आपको सही लगे वो कलर यहाँ पे कर सकते हो, जो भी कलर आपका फेवरेट है वो कलर यहाँ पे कर लीजिए। जैसे यहाँ से हम बैक जाएंगे ना यहाँ पे आपको क्विक सेटिंग्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे राउंडेड शेप के अंदर सभी आप देखो कि गोल गोल है, पर आप चाहते हो मुझे गोल यहाँ पे शेप के अंदर नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का चाहिए, या फिर ये वाला कर लो, देखिए बहुत ही कमाल का है। बहुत सारे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो यार अगर ये फीचर आपको पसंद आ रहे हैं तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपसे आपका कोई दोस्त मोबाइल मांगता है, ठीक है, या फिर आप अपने बच्चों को मोबाइल देते हो कि यार पढ़ाई वगैरह कर लेगा, पर आपको थोड़ा बहुत शक है कि यार ये पढ़ाई का बोल के ना यूट्यूब पर वीडियोज वगैरह ना देखने लग जाए, कोई दूसरा काम ना करने लग जाए, तो उसके लिए मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ। जब भी वो कोई दूसरा अटपटा काम करेगा तो आपको पता चल जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सेटिंग्स के अंदर जाना है, सेटिंग्स के अंदर जाओगे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर जाना है, सबसे नीचे जाना है और यहाँ पे देखिए मोर सिक्योरिटी के अंदर जाना है। अब यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, नीचे जाना है, सबसे नीचे देखिए ऐप पिनिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑन कर लीजिए। अगर आपने मोबाइल के लॉक लगा रखा है तो ठीक है, नहीं लगा रखा तो यहाँ से आप लगा भी सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि आपके बच्चे ने आपको यूट्यूब मतलब यूट्यूब के लिए आप दे रहे हो, ठीक है, यूट्यूब ओपन कीजिए, रेसेंट्स एप्स पे जाइए, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक कीजिए, इसको पिन कर दीजिए। अब ये पिन हो चुका है, आपका बच्चा इसको जितना चलाना चाहेगा चला सकता है, पर बैक जाना चाहेगा नहीं जा पाएगा। देखिए किसी भी बटन को प्रेस कर लेगा, बैक नहीं जा पाएगा। अब आपको बैक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए बैक बटन और जो यहाँ पे रेसेंट्स एप्स बटन है इन दोनों को ऐसे साथ में प्रेस करना है, अब आपका जो ऐप है वो अनपिन हो जाएगा। पर दोस्तों यहाँ से आपसे लॉक पूछेगा, तो जब तक आप लॉक नहीं खोलोगे तब तक अगला वाला अनपिन नहीं कर पाएगा, और जब भी आपसे लॉक खुलवाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई कर रहा है। और अगर आपको लगता है कि यार वो खुद ही ऐसे अनपिन कर लेगा, तो दोस्तों आप जब तक लॉक नहीं खोलोगे ना तब तक उसको अनपिन नहीं कर पाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप चाहते हो मैं इसे डबल टैप करूँ स्क्रीन ऑफ हो जानी चाहिए, डबल टैप करते हमारी जो स्क्रीन है ऑन हो जानी चाहिए, तो बिल्कुल हो सकती है, बहुत आसान है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये देखिए आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसे टैप करके रखना है, ठीक है, यहाँ पे मोर के अंदर जाना है। जैसे आप मोर के ऊपर जाओगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा डबल टैप टू लॉक, इसको ऑन कर लीजिए
और ये देखिए डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन ऑफ, इसको ऑन कर लीजिए। अब दोस्तों आप जैसे ही डबल टैप करोगे स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, जैसे ही डबल टैप करोगे हमारी जो स्क्रीन है ऑन हो जाएगी। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप चाहते हो और मुझे मिनी कैप्सूल यहाँ पे शो करवाना है, जैसे कि आपने देखा होगा मतलब आईफोन वगैरह के अंदर होता है, तो बिल्कुल हो सकता है, बहुत आसान है। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, सबसे नीचे जाओगे, यहाँ पे रियलमी लैब के अंदर जाना है, मिनी कैप्सूल के अंदर जाना है, पहले इसको ऑन कर लीजिए। आप देखिए बैटरी स्टेटस यानी कि बैटरी कम ज्यादा होगी, चार्ज वगैरह लगाओगे तब शो होगा, आपकी म्यूजिक वगैरह चलते रहेंगे तो भी ऊपर यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे डाटा वगैरह कम होगा 90% आपका डाटा हो जाएगा तो भी शो होगा, वेदर वगैरह के बारे में, या फिर आप इसको ऑन करते हो तो आप कितने कदम चलते हो, आपके जो कदम है मतलब पूरे हो जाएंगे, देखिए कुछ इस तरह से आपके यहाँ पे शो होने लग जाएगा। तो दोस्तों जो भी आपको सही लगे वो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, और दोस्तों यहाँ पे दिखने में ना काफी अच्छा लगेगा। कोई भी देखेगा आपसे जरूर पूछेगा कि भाई ये कौन सा मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर ऐसा कैसे हो रहा है। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको ऊपर टाइम शो हो रहा होगा, ठीक है, आप चाहते हो यार मुझे ना इसके साथ में सेकंड्स को भी शो कराना है, जैसे कि मिनट शो हो रही होंगी, यहाँ पे सेकंड्स शो नहीं हो रही है, तो सेकंड भी आपको साथ में यहाँ पे शो करवानी है, या फिर ये जो बैटरी का लोगो दिख रहा है इसको आप चेंज करना चाहते हो वो भी चेंज कर सकते हो, या फिर इंटरनेट की स्पीड वगैरह शो करवानी है, या फिर एक बहुत ही कमाल का फीचर आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपके कोई भी नोटिफिकेशन आया हुआ रहता है, आप उसको क्लियर करते हो तो वो क्लियर हो जाता है, फिर बाद में आपको याद आता है कि यार पता नहीं मैंने क्या क्लियर कर दिया, कोई जरूरी चीज थी जो मेरे से क्लियर हो चुकी है। तो घबराने की जरूरत नहीं, आपको एक सेटिंग को ऑन करना है, दोस्तों आपके पास पूरी की पूरी हिस्ट्री मौजूद हो जाएगी। इसके लिए हम सेटिंग्स के अंदर आ चुके हैं, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर जाना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्टेटस बार के ऊपर क्लिक कीजिए, अब यहाँ पे टाइम दिख रहा होगा इसके ऊपर सेकंड्स भी कर लीजिए, अब यहाँ पे ऊपर देखोगे आपके सेकंड्स भी चलने लग चुकी है, और यहाँ पे जो बैटरी का स्टाइल है ये देखिए अभी कुछ इस तरह का है, तो ये देखिए कुछ इस तरह का हो चुका है, या फिर लूप के अंदर कर लो, देखिए ये बहुत ही कमाल का लगता है, या फिर यहाँ पे शो ही नहीं करवाना चाहते, देखिए सिर्फ बैटरी के परसेंटेज ही शो होंगे, या फिर यहाँ पे जो बैटरी के परसेंटेज अभी देखोगे बाहर दिख रहे हैं, तो आप चाहते हो मुझे अंदर दिखाने, तो ये देखिए कुछ इस तरह से करोगे बैटरी के परसेंटेज अंदर दिखने लग चुके हैं। रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसको ऑन करने से क्या होगा दोस्तों, अगर आप जब भी इंटरनेट चलाओगे ऊपर आपको शो होने लग जाएगा कि कितनी एमबी पर सेकंड आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो चल रहा है। जैसे यहां से बैक जाएंगे, यहां पे देखिए मोर सेटिंग्स के अंदर जाना है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री के अंदर जाना है, इसको ऑन कर लीजिए। अब यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए मैं कुछ भी क्लियर करूंगा यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री मौजूद हो जाएगी, और यहाँ पे ये भी शो होगा कि किस टाइम ये नोटिफिकेशन आपके पास आया था। तो यहाँ पर आकर देखना दोस्तों, आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। तो यार अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार अब तो वीडियो को लाइक कर ही दीजिए। दोस्तों आप एक हाथ से मोबाइल चला रहे हो, ठीक है, अब आपको सेटिंग ओपन करनी है तो कैसे करोगे, देखिए हाथ पहुंच ही नहीं रहा यहाँ पे, तो बहुत आसान तरीका बताता हूँ। देखिए आप ऐसे करोगे तो देखिए सारे ऐप नीचे आ चुके हैं, मतलब अपनी मर्जी से यार आप इसको कस्टमाइज कर लो। अभी देखिए मुझे सेटिंग ओपन करनी है तो ऐसे करूंगा, सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो ये आपके मोबाइल में नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर से टैप करके रखना है और यहाँ पे मोर के अंदर जाना है। जैसे आप मोर के अंदर जाओगे देखिए आइकन पुल डाउन गेस्चर का ऑप्शन मिलेगा, अब यहाँ पे इसको ऑन कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपको शो भी हो रहा है कि आपको कैसे ऑन करना है, तो दोस्तों फिर आप इसका फायदा उठा पाओ। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप चाहते हो कि यार मुझे ना यहाँ पे एक ही मोबाइल के अंदर दो व्हाट्सएप, दो फेसबुक, दो फोन पे चलाने हैं, वो भी अलग अलग आईडी से, अलग अलग नंबर से, तो बिल्कुल चला सकते हो, आपके रियलमी ने आपको ऑप्शन दिया है। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पे देखिए एप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, एप क्लोनर के ऊपर जाइए, यहाँ पे एग्री कर लेना है, ठीक है। एग्री करने के बाद जैसे कि अमेजोन, फेसबुक, स्नैपचैट, मेरे मोबाइल के अंदर ये कुछ है, तो आपके मोबाइल में जो भी है वो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। जैसे कि मैं फेसबुक को दो करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पे दो कैसे कर सकते हैं। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देख सकते हो एक फेसबुक एरा और एक फेसबुक एरा, और दोस्तों आप इनको ना अलग अलग आईडी से भी चला सकते हो। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप चाहते हो यार मुझे ना एक साथ में दो अलग अलग एप्स को चलाना है तो कैसे चला सकते हो, बहुत आसान है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं गैलरी को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, थ्री फिंगर से ऐसे ऊपर लेके जाना है, और अब यहाँ पे कोई भी एप ओपन कर लो, जैसे कि मैं यूट्यूब ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे यूट्यूब आपका चल रहा है, देखिए पहले ऊपर गैलरी चल रहा है और नीचे आपके YouTube चल रहा है, दोनों को आप एक साथ में चला सकते हो। और जैसे कि मुझे YouTube को थोड़ा बड़ा करना है, फिर YouTube को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। ये YouTube ऊपर आ चुका है, YouTube को थोड़ा बड़ा करना चाहिए, देखिए YouTube थोड़ा बड़ा हो चुका है, गैलरी थोड़ा छोटा हो चुका है। पूरा YouTube को ओपन करना है तो ऐसे नीचे लेके जाओगे, पूरा YouTube ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप भी ना अपने मोबाइल के अंदर एक साथ में दो अलग अलग एप्स को चला सकते हो। तो चलिए दोस्तों फाइनली मैं आपको बता ही देता हूँ कि जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसे डबल टैप करता हूँ तो देखिए YouTube ओपन हो जाएगा, और इसे ऐसे डबल टैप करूंगा तो हमारा जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। तो आप अपने मोबाइल के अंदर ये सब कुछ ओपन कैसे कर सकते हो, बहुत आसान है। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, जैसे आप सेटिंग्स के अंदर जाओगे स्पेशल फीचर के अंदर जाना है, और यहां पर आपको डायनेमिक बटन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। पहले इसको ऑन कर लेना डायनेमिक बटन को, अभी देखिए डबल टैप पावर बटन, यानी कि इसको ऐसे डबल टैप किया मैंने तो YouTube ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कैमरा, या फिर यहाँ पे चेंज साउंड मोड कर सकते हो, और भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, देखिए डू नॉट डिस्टर्ब, फ्लाइट मोड, टॉर्च को ऑन कर सकते हो। देखिए मैं टॉर्च को ऑन करके दिखाता हूँ, ऐसे इसको ऐसे डबल टैप करूंगा, देखिए
टॉर्च हमारी ऑन हो जाएगी। और यहाँ पे अलग ऐप के अंदर जाना है तो ओपन ऐप के अंदर जाइए। अब यहाँ पे जो भी ऐप ओपन करना चाहते हो यहाँ पे डबल टैप करके वो यहाँ पे कर सकते हो। मैंने यूट्यूब कर रखा है, आप जो भी आपको सही लगे वो ऐप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे ही बैक जाएंगे यहाँ पे देखिए डबल प्रेस पावर बटन। अब यहाँ पे मैंने कैमरा कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देखिए ऐप के अंदर जाकर जो भी ऐप ओपन करना चाहो वो यहाँ से कर सकते हो डबल टैप करके। और यहाँ से जैसे ही बैक जाएंगे एक चीज और बताता हूँ, ये देखिए प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन। ये क्या मतलब है, जैसे कि आपको मोबाइल को बंद करना है तो देखिए इसको प्रेस करके रखते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आता है, देखिए कुछ मतलब ऑन हो ही नहीं रहा है, ऑफ हो ही नहीं रहा है, कुछ इस तरह का आ चुका है। अब ऑन करने या ऑफ करने के लिए क्या करना होगा, देखिए इसे प्रेस करते हैं तब बंद का ऑप्शन आता है। तो दोस्तों आप पावर मेन्यू पे कर लोगे ना तो पुराने तरीके की तरह हो जाएगी। देखिए अब इसको प्रेस करके रखूंगा बंद का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको भी आप जरूर ऑन कर सकते हो। यार ये फीचर आपको पसंद आ रहे हैं ना तो यार अब तो चैनल को भी सब्सक्राइब बनता है। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको ना कुछ स्क्रीनशॉट से रिलेटेड भी बता देता हूं। जैसे कि यहां पर मैं दिखाता हूं आपको पावर बटन और वॉल्यूम डाउन को ऐसे प्रेस करते हैं तो हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक दो तरीके और बता देता हूं मैं आपको, जैसे कि ऐसे थ्री फिंगर से आप ऐसे करोगे तो भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और यहाँ पे ना स्क्रॉल का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप एक ही फोटो के अंदर एक लंबा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यानी कि आपको अलग अलग स्क्रीनशॉट या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए मैं दिखाता हूं आपको, हमने एक ही फोटो के अंदर एक इतना लंबा स्क्रीनशॉट ले लिया है। या फिर दोस्तों दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं तो आपको क्या करना है, थ्री फिंगर से ऐसे प्रेस करके रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जिस भी एरिया के अंदर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, देखिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, या फिर बहुत सारे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि मुझे इतना स्क्रीनशॉट लेना है, इसके अंदर कुछ लिखना चाहो अलग अलग कलर के अंदर लिख भी सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसको जो पेंसिल है इसको कम ज्यादा कर सकते हो और अपनी मर्जी से यहाँ पे स्क्रीनशॉट अलग अलग तरीके से ले सकते हो। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपको नोटिफिकेशन बार ऐसे लाना है, ठीक है, तो आपको ऐसे ऊपर से ऐसे करना पड़ता है। पर दोस्तों मैं देखिए यहाँ से ऐसे करूंगा तो भी नोटिफिकेशन बार आ जाएगा, यहां से ऐसे करूंगा तो भी नोटिफिकेशन बार आ जाएगा। तो आप भी अपने मोबाइल के अंदर ऐसे कर सकते हो। इसके लिए आपको स्क्रीन के ऊपर से टैप करके रखना है, मोर के अंदर जाना है। जिससे आप मोर के अंदर चले जाओगे, यहाँ पे थोड़ा नीचे जाओगे, देखिए स्वाइप डाउन होम स्क्रीन के ऊपर जाकर यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉर कर दीजिए, आपकी ग्लोबल सर्च होगा। नोटिफिकेशन ड्रॉर करने के बाद दोस्तों आप भी इसका फायदा उठा सकते हो। देखिए आपको मतलब पूरा ऊपर जाने की जरूरत नहीं, आप एक हाथ से ऐसे करोगे, देखिए जहां से भी करो आपके नोटिफिकेशन बार आ जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप चाहते हो कि यार आपको ना फोटोज वीडियोज वगैरह छिपाने हैं या फिर किसी ऐप के लॉक लगाना है या फिर किसी ऐप को हाइड करना है तो कैसे कर सकते हो, आपको ना बाहर से प्ले स्टोर वगैरह से कहीं से भी कोई भी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल के अंदर सब कुछ सिस्टम मिलता है। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे आप सेटिंग्स के अंदर जाओगे यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नीचे जाना है, ये देखिए ऐप लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। अब ऐप लॉक के अंदर गोट इट कर लेना है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको देखिए ऊपर लॉक लगाना है, ये देखिए ऑन कर लीजिए, सेटिंग के अंदर जाइए, यहाँ पे जो भी आपको सही लगे वो लॉक लगा लेना, जो भी मतलब मैं तो ऐसे आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ, आपको जो सही लगे वो यहाँ पे लॉक लगा लेना। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई आपके टीचर का नाम क्या है, तो वही लगाना, मैं तो आपको दिखाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे फोन है इसको गायब कर देते हैं, ठीक है, या फिर इसके लॉक लगा लेते हैं, ये मैंने लॉक लगा दिया है। अब जैसे मैं इसको ओपन करूंगा, देखिए लॉक पूछेगा, यहाँ पे फिंगरप्रिंट से खोलना चाहो फिंगरप्रिंट से भी खोल सकते हो। अब दोस्तों आपको बताता हूँ, जैसे कि आप किसी भी ऐप को छिपाना चाहते हो ना तो वो भी बता देता हूँ, देखिए इसको लॉक लगाना है। अब यहाँ पे ऐप लॉक तो मैंने आपको बता ही दिया है, बैक जाना है। अब हाइड एप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, अब किसी भी ऐप को छिपाना है तो यहाँ से वो लॉक लगा लेना है। किसी भी ऐप को छिपाना है, जैसे कि मैं यहाँ पे अमेजोन को छिपा देते हैं, ठीक है, इसको सेटिंग्स के अंदर जाना है। अब यहाँ पर दोस्तों कोड लगा लेना है, मतलब कि आपने जो ऐप छिपाए हैं उनको देखने के लिए ना आप अपने डायलर के अंदर से देख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे H333H लिखता हूँ, ठीक है, ये कोड हमारा हो चुका है। आप अपनी मर्जी से जो भी कोड आपको सही लगे वो लिख लेना। अब ये देखिए ये हाइड हो चुका है। अब यहाँ पे देखोगे कोई भी अमेजोन वगैरह नहीं शो होगा। अब इसको देखने के लिए आपको क्या करना है, डायलर के अंदर जाना है। अब यहाँ पे देखिए H333H लिखोगे और यहाँ पे देखिए आपका अमेजोन प्राइवेट ऐप वगैरह आ चुका है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आप ऐप वगैरह को छिपा भी सकते हो। और यहाँ पे देखिए वापस वहीं पे जाना है, प्राइवेट ऐप का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर भी वो सेम लॉक लगाना है, ये देखिए यहाँ से कुछ चीज जो आपने लॉक लगाया था वो लॉक लगा लेना। अब यहाँ पे कोई भी आप छिपाना चाहो यूज फिंगरप्रिंट कर दीजिए, इमेजेस ऑडियो डॉक्यूमेंट अदर फाइल जो भी छिपाना है यहाँ पे छिपा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे ना ये बहुत ही आपके सेफ रहेगा, पर इसके लॉक थोड़ा सा अच्छा लगा लेना ताकि कोई भी आसानी से खोल ना सके। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको ना कुछ कैमरा के फीचर्स भी बता देता हूँ। जैसे कि हम कैमरा को ओपन करते हैं, ठीक है, जैसे हम कैमरा को ओपन करेंगे देखिए फोटोज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक तो 1x है और ये डिजिटल जूम है 2x का,
टोटल जूम में आपको दिखाऊं तो ये देखिए 10x तक हम टोटल जूम कर सकते हैं। यहां पर आप अगर थोड़ा गोरा चिट्टा करना चाहते हो तो यहां पे गोरा चिट्टा कर सकते हो, अगले वाले को काफी गोरा दिखोगे जब भी आप इसको ऑन कर लोगे। और यहां पे देखिए फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, अलग अलग फिल्टर के अंदर आप फोटोज क्लिक करना चाहो कर सकते हो। ऊपर की साइड में मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए आप ना यहाँ पे साइज को चेंज कर सकते हो, फुल साइज कर सकते हो, ये वाली कर सकते हो, ये वाली। यहाँ पे टाइमर वगैरह लगाना चाहो टाइमर वगैरह भी लगा सकते हो। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा पोर्ट्रेट का ऑप्शन, भाई साहब इसके अंदर बहुत ही कमाल की फोटोज आती है। जब भी आपके मतलब फोटोज क्लिक करोगे पीछे सब कुछ ब्लर वगैरह हो जाएगा एकदम DSLR की तरह। तो यहाँ पे देखिए इसको मतलब ऑन कर लेना है, ये देखिए ब्लर कितना कराना है, कम कराना है, ज्यादा कराना है, जितना कम करोगे उतना ब्लर ज्यादा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ब्लर को कम ज्यादा करके अच्छी खासी फोटोज ले सकते हो, यहाँ पे आपको फिल्टर वगैरह मिल जाएंगे। और वीडियोज के अंदर दिखाऊं तो देखिए वीडियो आप बनाना चाहते हो 1080 FPS पे बना सकते हो बे कैमरा से। अगर आपको कम MB के अंदर बनाना है, आपका मतलब स्टोरेज वगैरह भर जाती है तो इसके अंदर बना सकते हो, इसके अंदर थोड़ी क्वालिटी कम रहेगी पर दोस्तों MB भी कम लगेगी। अच्छी क्वालिटी के अंदर बनाना है तो इसके अंदर आप बना सकते हो। यहाँ पे स्ट्रीट का ऑप्शन मिल जाएगा, नाइट मोड का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि आपको रात को फोटोज क्लिक करनी है तो यहाँ से करना। दोस्तों आपके अंधेरा वगैरह भी रहेगा तो काफी ज्यादा उजाला हो जाएगा। और यहाँ पे मोर के अंदर दिखाऊं तो देखिए प्रो पेनो हाई रेज फिल्म स्लो मोशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप रील्स वगैरह बनाना चाहते हो तो स्लो मोशन के अंदर यहाँ से आके बना सकते हो। मोर के अंदर देखिए टाइम लैप्स ड्यूल वीडियो, यानी कि फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों से साथ में आप वीडियो बना सकते हो। देखिए दोनों से साथ में आपकी वीडियो बन जाएगी। मोर के अंदर और भी चीजें दिखाऊं तो देखिए टेक्स्ट स्कैनर, इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह की फोटो लेनी है तो इसके अंदर लेना दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर फोटोज आएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ कैमरा के फीचर्स। तो यार वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। अगर ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छे लगे ना तो यार लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपको इस मोबाइल की टिप्स एंड ट्रिक्स और चाहिए ना तो आप कॉमेंट कर सकते हो, मैं इसके लिए मतलब और भी वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। पर यार आपने वीडियो को पूरा देखा है पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। हाँ, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो ना तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलता हूं मैं आपसे इसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।